Good morning friends, today we will solve exercise 3.4 in 10th standard subject math chapter 3 pair of linear equation in two variable. तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे question 1 का 4th question देखेंगे. 4th question में 2 equations given हैं. First equation is x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1 and second equation is x minus y by 3 equal to 3. तो दोस्तों सबसे पहले जो linear equation in two variable का standard form होता है ax plus by plus c equal to 0 या ax plus by equal to c, इस टाइप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 एंड 3 का LCM होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2y में 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस 1. तो दोस्तों ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस 6. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे x को x बाई 1 राइट कर सकते हो आप. 3 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3x माइनस 1y इक्वल टू 3. इसको आप लोग सॉल्व करोगे कुछ इस तरह से, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 जा 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इलिमिनेशन मेथड की बात हम लोग किए इसके पहले वाले वीडियो में, तो आपको बताया गया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेरिएबल x का कोएफिशिएंट दोनों में क्या है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट 3 एंड सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 3. तो आपको कोएफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है. तो अब आप लोग यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 इक्वेशन 1 राइट किए. अब इक्वेशन 2 को राइट करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस, 3x 3x से कट हो गया. 4y प्लस में है, यहाँ पे प्लस वाई ये भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 5y इक्वल टू 9 एंड 6. ये दोनों निगेटिव साइन में हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे माइनस 15, माइनस 15. वाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, तो वाई इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 3. वाई की वैल्यू आ गई माइनस 3. अब इस वाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी. अब हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दें. इक्वेशन 2 क्या है, एक्स माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3. यहाँ पे आप देख रहे हो y की वैल्यू माइनस 3 है, तो x माइनस यहाँ पे आप राइट करोगे माइनस 3 बाई 3 इक्वल टू 3. ये हो जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 बाई 3 इक्वल टू 3. 3 से 3 कट हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई. x इक्वल टू 3 माइनस 1, x इक्वल टू आपका आ गया 2. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू माइनस 3 आ गई. ये आपका सोल्यूशन हो गया किस मेथड के थ्रू, इलिमिनेशन मेथड के थ्रू. तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम. थैंक यू.